तो अभी इसमें चावल लिया है और ये अल्मोड़ा है। तो आगे दिखाते हैं आपको क्या स्पेशल बनने जा रहा है आज। स्टे ट्यून। तो ये इजीली आपको मिल जाएगा कहीं पे भी, आसपास में देखोगे तो आप मिल जाएगा ये अल्मोड़ा। तो अभी इसका सफाई कर रहे हैं, सफाई करने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो ये है आपका खुशकुआ और तरह तरह के नाम है इसके। कोई काली बोलता है, कोई खुशकुआ बोलता है, कोई कंडाली बोलता है, कोई बिच्छू बोलता है। तो आज बनेगा इसका साग और इसको थोड़ा भूनेंगे, फिर इसके बाद सीधा इसमें डालेंगे, फिर आएगा स्वाद। तो आपको दिखाते रहेंगे जैसे भी होगा। आज कुछ अलग बनने जा रहा है, बनाऊंगा मतलब अलग सा कुछ, पहली बार बना रहा हूँ तो देखते हैं कैसा बनता है और इनको कैसा लगता है जो खाएंगे। तो अभी इसको अब भूनेंगे हम। तो गाइज़ अभी हमने सबको भून दिया है और भगोने में डाल दिया है, तो इसमें जितने भी ये कीड़े वगैरह रहते हैं सब भून जाते हैं, गिर जाते हैं धरी पे आग में। और इसके बाद अब ये धीरे धीरे इसमें अपना पकेगा, तो जैसे आप देख पा रहे हो। और इसमें अल्मोड़ा भी डाल दिया हमने, देख पा रहे हो आप, मस्त करके सब्जी बनेगी आज तगड़ी वाली। अब नमक डल चुका है, तो नमक डलने के बाद पता चल जाएगा ये पकने का क्या हिसाब है इसका। तो जैसे ही ये पानी छोड़ देगा तो उसके बाद इसमें तड़का मार के घुटेंगे, इसको घोट देंगे पूरा। तो गाइस जैसे ही सूखने लग जाए इसमें तो इसको घोटना शुरू करना पड़ता है फिर। और इसमें थोड़ा सा जो चावल डाले थे वो कम हो गए थे, तो हमने थोड़ा सा और आटा मिलाया इसमें ताकि इसकी जो थिकनेस है वो बराबर रहे। तो अभी इसको अच्छे से घोटेंगे और फिर उसके बाद इसमें तड़का लगेगा। तब तक के लिए बने रहिए आप लोग। तो इसको अच्छे से जितना भी हो सके उतने अच्छे से आपको इसको घोटना है गाइस। अगर आप इसको खा रहे हो तो ये ठंड में बहुत अच्छा रहता है, गर्म रहता है इसका साग, जो इसकी तासीर रहती है गर्म रहती है, तो काफ़ी अच्छा रहता है सर्दियों में। तो कभी टाइम लगे तो इसको फुर्सत से बनाओ, एकदम मस्त से देख पा रहे हो आप। तो इसमें घोटने के बाद इसमें हल्का सा पानी आएगा, फिर उसके बाद इसको तड़का मारेंगे एंड देन कंप्लीट, और फिर सर्व करने के लिए रेडी हो जाएगा ये। तो इसको मैं घोटता हूँ अच्छे से, तब तक के लिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये फ्राई होगा अब इसमें, देन थोड़ी देर रख के हो जाएगा रेडी। तड़का रेडी हो रहा है, देन बस अब ये फाइनल है, इसके बाद तड़का लगने के बाद रेडी हो जाएगा ये। तो
लेट मी चेक गाइस, एक निवाला खा के देखता हूँ कैसा बना हुआ। मस्त हो रहा एकदम। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। काली लौंडो बनाओ और खाओ सर्दियों में, गर्मी का एहसास लो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर।